हाय ब्रदर्स, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम फिर से एक नई वीडियो बनाने जा रहे हैं। अभी मैं घर से बस निकला हूँ और अपनी दुकान की तरफ जा रहा हूँ। पापा जी को वहाँ पे लंच देना है, लंच दे के हम सीधा निकलेंगे ऑफिस की ओर। बारिश का मौसम होता नहीं है शुरू और यहाँ पे सारी सड़कें संगम विहार के अंदर ख़राब हो जाती है। हर जगह पे आपको दलदल मिलेगा, मिट्टी मिलेगी, हर तरफ आपको गीला गीला। अंकल जी ने ऊपर निकाली, हम भी इधर से ही निकालेंगे। ये हम निकल गए। अरे ये क्या हुआ? चलो दिखाता हूँ आपको मैं एक अच्छी चीज़। एक मिनट बाइक गियर लगा दूँ। मैं पता थोड़ी देर के लिए जाम जोर लगेगा बाइक से, लेकिन ये देखो, ये है कील। इससे होगा क्या? गाड़ी पंचर या किसी की भी हो, ये तो अच्छा है मैंने देख लिया और हमने ये वीडियो में भी अभी रिकॉर्ड हो रहा हमारे। अब इस कील को मैं रख लेता हूँ अपने साथ ही, हम कहीं सेफ जगह पे जाके इसको फेंक देंगे। जाता दोस्तों वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन होता क्या है ना, आजकल लोग अपने फ़ायदे के लिए ना कुछ भी कर लेते हैं। मैं सभी पंचर वालों को नहीं कहूँगा, बट कुछ पंचर वाले ऐसे हैं जो कील फेंक देते हैं किसी भी तरीके की, पुरानी नई कील। और जब हम गुजरते हैं, बाइक वाला हो चाहे कार वाला हो चाहे ऑटो वाला हो, कोई भी हो, जब वहाँ से गुजरता है तो ऑब्वियस सी बात है जल्दबाजी में होता है। और सब ऊपर से कीचड़ वाले रास्ते आजकल पता भी नहीं चलता पानी में कहाँ कील होगी कहाँ नहीं होगी। और फिर होता क्या, बस पंचर हो जाता है। जिसकी ट्यूबलेस है तो एक बार को चलो ठीक है, वो फिर भी थोड़ा बहुत आगे जाके अपने रिपेयर करा लेगा पंचर। बट स्टिल अगर मैं बात करूँ जिनकी ट्यूबलेस नहीं है, उनके साथ दिक्कत ये होती है कि उनको धक्का ले, जिनके पास नहीं है ट्यूबलेस वो तो धक्का दे के जाएंगे, पंचर वाला ढूंढेंगे, फिर पंचर बनाएंगे। उसमें उनका समय भी ख़राब होता है, ऑफिस का टाइम होता है और लेट हो जाते हैं। कईयों को क्या पता इससे ज़्यादा दिक्कत आ जाए लेट होने की वजह से। कईयों की जॉब भी कई बार दिक्कत में आती है, बॉस चिल्लाएगा, होगा क्या, हमें भी गुस्सा आएगा, हम भी कहेंगे यार ऐसा बॉस किस काम का जो थोड़ा सा लेट हो गया कुछ गलत तरीके से, तो हमें चिल्ला रहा चीख रहा। तो हम भी फ्रस्ट्रेशन में आके कई बार ही क्या होता है, जॉब से क्विट कर देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना कहीं हो जाती है। मैं हर किसी को नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। दोस्तों आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर आपको भी कहीं दिखे ना ऐसे रास्ते चलते हुए कील, तो एक मिनट के लिए अपनी बाइक कार या फिर साइकिल जो भी है अपना रोक करके है ना उस कील को उठा लें। ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। और होता क्या, रोड पे है ना कहीं पुरानी कीलें पड़ी रहती हैं, सोफे वाली कील पड़ी रहती है, ऐसे स्क्रू वाली कील डाल देते हैं डायरेक्टली घुस जाती है। चलो हम आ गए, अब लंच देते हैं और निकलते हैं ऑफिस की तरफ। काफ़ी देर हो गई अभी तक फ़ौरन बजा रहा हूँ, बट कोई आ नहीं रहा बाहर, लगता है नहीं शायद दुकान पे। एक बार चल के देख लेते हैं है कि नहीं है। लंच तो ऐसे ऐसे भी देना ही हमें। पहले इस कील का क्या करें, इस कील को ये नाले में फेंक देते हैं यार, रोड पे फेंकने से तो बेटर ही है, किसी को कट जाए खामा का। मेरे पास कोई और जगह नहीं था, तो फिलहाल मैंने नाले में फेंक दिया था। नाले में भी फेंकने नहीं चाहता था, कहीं डस्टबिन में डाल देते, क्योंकि मुझे कोई ऑप्शन दिख नहीं आता, इसलिए मैंने यहीं फेंक दिया। अंदर तो है ही नहीं, तो भाई देखते हैं, लंच यहीं रख देते हैं, आएंगे तो अपना ले लेंगे वो खुद ही। फिर भी दुकान में से मुझे भी सही नहीं लग रहा खाली छोड़ के जाना, लेट हो रहा हूँ वैसे भी। आज ऑफिस से जाने से पहले एक काम और करना है मुझे। आज मैं अपनी बाइक सर्विस कराने के लिए ओखला लेके जा रहा हूँ ऑफिस से पहले। पहले मैं अपनी बाइक सर्विस कराऊँगा, उसके बाद फिर ऑफिस से बाहर निकलूँगा। थोड़ा टाइम है हमारे पास, आज मैं ऐसे भी सेकंड शिफ्ट में, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मुझे पहुँचना है ऑफिस 12:30। मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है, मैं अपना ओला उबर एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक कोई सवारी मिल गई तो बढ़िया है ओखला तक की, ओखला की तरफ अगर मिला तो ठीक है, अगर उस रूट पर नहीं मिला तो फिर हम ऐसे ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। खाली मिल गई तो भैया बढ़िया है, अपना पेट्रोल का पैसा आ गया, ये अपने ही ग्राहक है। बच्चे सीधा गया, कोई है ही नहीं अंदर। एक मिनट गया बच्चे, आ रहा हूँ मैं। अंदर है ही नहीं, फ़ोन बज रहा है, फ़ोन तो पहले साइलेंट कर लें। चीज है भाई, मेरा फ़ोन देख जाके देखो जरा कहाँ है। ओहो फ़ोन भी इनका यही है, दुकान में छोड़ के गए हैं, तो उठा ले तो पता नहीं। चलो थैंक यू बच्चे रुकने के लिए दुकान पे, मांग कर लाएंगे वही देंगे आपको सामान।
बाकी दोस्तों हम निकलते हैं अपने बाइक के लिए, वहीं पे अपना कराएंगे बाइक सर्विस और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मैं दिखाऊंगा बाइक सर्विस में क्या रहा। बाय बाय, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।